गाइज देखो, बहुत लोगों को ना अपॉर्चुनिटी सामने होती हुई भी नजर नहीं आती, और बहुत लोगों को तो बोल देने के बाद भी उनको करना नहीं होता है। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आप सबकी लाइफ को बना सकता है। नो मैटर कितना मर्जी कॉम्पिटिशन हो, आप भर भर के इसे अपना पैसा जो है वो अर्न कर सकते हो। देखो क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग इस दुनिया का एक लेजिटिमेट तरीका है जिससे आप अर्न कर सकते हो। इसमें कोई भी चोचलेबाजी नहीं है कि भैया एफिलिएट मार्केटिंग ये है वो है, पैसा नहीं अर्न कर सकते ये वगैरह, नहीं। दुनिया में लाखों लोग करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं और ये hence proven है। मैं भी एक affiliate marketer हूँ और मैंने कितना earn किया है ये मैंने आप लोगों से बहुत बार share किया है। और इस दुनिया में बहुत सारे और भी affiliate marketers हैं जो अपने revenue आप लोगों से share करते ही रहते हैं। तो आज के session के अंदर भी मैं आपको event affiliate marketing सिखाता हूँ। event के time पे affiliate marketing कैसे करना होता है, और वो भी कोई छोटी मोटी affiliate marketing नहीं, मतलब एक event पे हो सकता है आप कई कई लाख रुपए, क्या पता 10-10, 20-20 लाख रुपए earn करके आप आराम से अपना पूरे साल का खर्चा निकाल लो, ऐसा भी होता है। तो आज जो मैंने रिसर्च किया है वो जल्दी से आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। आप में से जिसका भी दिमाग फटाफट से लग जाना, 100% फ्री तरीका बताऊंगा। इसमें कहीं से भी आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है। बस आप एक बार देख लो किसको कन्विक्शन आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूं और कर लेना चाहिए, वो कर लेना। बाकी लोग इसको एक YouTube वीडियो मान के थोड़ा सा लाइक करके चले जाना। लेकिन मैं अपने लॉयल व्यूअर्स को कहूंगा भैया कर लेना, क्योंकि मैंने खुद रिसर्च किया और बहुत ताबड़तोड़ इसमें पैसा है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं अभी Pinterest में हूं, और Pinterest आपको पता है ना यूएस की एक बहुत बड़ी साइट है। अब Pinterest में क्या होते हैं, इमेजेस चलते हैं, और खासकर आज के डेट में जब AI इमेजेस का जमाना है, तो मैं इसका मौका क्यों छोड़ू, मैं Pinterest को यूज करके आज एफिलिएट मार्केटिंग करने वाला हूं अपने AI इमेजेस से। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हो कि मैं trends.pinterest.com पे हूं, मतलब यहां पर मुझे पता लग जाता है कि इस टाइम पे Pinterest पे क्या चल रहा है। trends.pinterest पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा था रीजन बस यही है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा इसलिए छूट गया। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ऐसी वीडियोस छूटनी नहीं चाहिए, करियर बनता है इससे। अब देखो यहां पर क्या है, टॉप ट्रेंड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स दिस मंथ, इस महीने का टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है। मंथ क्या है गाइस, दिसंबर, और हम सब जानते हैं दिसंबर में क्या होता है गाइस, दिसंबर में होता है क्रिसमस, तो ऑब्वियस है इससे रिलेटेड ही चीजें चलनी चाहिए, वो भी खासकर यूनाइटेड स्टेट जहां पर क्रिश्चियन आबादी 90% है। तो अब यहां पर क्या है, देखो गाइस एग्जैक्टली वही मिला मुझे कि मुझे सारा क्रिसमस से रिलेटेड क्रिसमस वॉलपेपर, क्रिसमस डेकोर आइडियाज। और यहां पर अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको ले जाऊं तो यू विल सी दैट, लेट्स गो हियर गाइस, देखो ओ माय गॉड गाइस, यहां पर देखो ये पूरा ट्रेंड है जो कि मुझे खुद Pinterest दे रहा है, ना कि कोई और। क्रिसमस में नेल्स आर्ट गाइस एकदम से स्पाइक हुआ है, देखो 500% का मंथली चेंज, और ईयरली चेंज 20%, मतलब लास्ट ईयर जो इसका ट्रेंड था ना उससे भी 20% अप। अब देखो 20% इससे भी ज्यादा, अब ये 5% कम हुआ है, जो भी एक ELF, I don't know what is the shelf ideas and all, shelf बनाने के ideas वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्रिसमस का वॉलपेपर देखो गाइस 200% का एकदम से वूपिंग मंथली चेंज आया है, मतलब लास्ट मंथ जो भी इसका सर्च था उससे 200% बढ़ गया, और लास्ट ईयर में जो इस टाइम पे इसका ट्रेंड था उससे 20% बढ़ गया। तो गाइस क्रिसमस वॉलपेपर इज समथिंग दैट आई कैन गो विद माय इवेंट एफिलिएट मार्केटिंग, मैं इस पे अपना इवेंट एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा, एंड हाउ आई कैन डू दैट, लेट्स गो एंड ब्रिंग दैट ऑन द टेबल। तो गाइस अब ये वॉलपेपर से पता लग रहा है ना, ये एक इमेज होगा, और आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे मैं किस इमेज की ज्यादा वकालत कर रहा हूं गाइस, दैट इज AI इमेजेस, क्योंकि इमेजेस एक ऐसी चीज है जिसको आप खुद बना सकते हो या फिर जनरेट करवा सकते हो थ्रू AI टूल्स, है ना। तो हमारे पास AI टूल्स आ चुके हैं, तो अब हम जनरेट पे ही फोकस करेंगे, बनाने में टाइम वेस्ट कौन करेगा। तो नाउ अब यहां पर क्या क्या है, जैसे कि क्रिसमस वॉलपेपर है, और देखते हैं क्या क्या है, क्रिसमस कैनवस पेंटिंग्स, हालांकि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिसमस का टाइम है ना, इस टाइम पे हमें बहुत इसका फायदा मिल सकता है। हेलो किटी वॉलपेपर क्रिसमस, इसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है मुझे। क्रिसमस क्राफ्ट्स फॉर किड्स, पिंक क्रिसमस वॉलपेपर, इसमें भी ग्रोथ है। तो गाइस इस टाइप के जो हम क्रिसमस से रिलेटेड इमेजेस का फायदा उठा सकते हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, उठाना चाहिए। ये तो आपको समझ आ गया कि ट्रेंड्स मैंने आपको ढूंढना बता दिया है कि कैसे ट्रेंड देख के आप जबरदस्त तरीके से काम को कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिसमस वॉलपेपर को क्लिक करता हूं यहां पर आपके लिए, तो एक नया टैब ओपन हो गया, और इस टैब में मुझे Pinterest ट्रेंड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है साफ, जिसमें मैंने क्रिसमस वॉलपेपर को एज अ कीवर्ड लिया है। गाइस अगर मैं इस कीवर्ड पे जाऊं तो आप देखोगे 89% जो है फीमेल ढूंढ रही है Pinterest पे आके, और एज ग्रुप है जो कि सबसे क्रीम एज ग्रुप होता है जो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, व्हिच इज 18-24, 25-34 and 35-44, सबसे क्रीम एज है किसी भी ऑडियंस को टारगेट करने का, और वही यहां पर अवेलेबल है, और खासकर फीमेल। अगर फीमेल यहां पर है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि फीमेल से रिलेटेड किस टाइप के प्रोडक्ट मैं यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूं। तो गाइस आप यहां पर आप देख रहे हो ये सारे कुछ ऐसे पॉपुलर पेन्स हैं जो यहां पर आपको दिख रहे हैं। नाउ लेट्स ओपन अ पॉपुलर पेन, कोई भी एक पॉपुलर पेन ओपन करता हूं गाइस, ये देखो, नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइस, ये सारे इमेजेस जो है ये AI इमेजेस हैं। आपको लग रहा है कि ये इमेज जो है किसने बनाया होगा, हैंड पेंटिंग है ये या फिर स्केच है, नहीं ये पूरा AI इमेज है, जस्ट लुक एट इट गाइस। देखो ये भी एक AI इमेज है, ये भी कोई रियल इमेज तो बिल्कुल नहीं है, और अगर मैं आपको दिखाऊं गाइस ये भी एक AI इमेज है, यस 100% ये भी एक AI इमेज है। सो गाइस इन AI इमेजेस की बदौलत ये जो कुछ Pinterest प्रोफाइल है ये बहुत ताबड़तोड़
अर्निंग कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, यस ये देखो गाइस, यहां पर इस एआई इमेजेस के जरिए एक tassycoffee.com ये अपने प्रोडक्ट जो है ये बेच रहे हैं, जस्ट लुक एट इट, $29, $56, $4 वगैरह वगैरह, ये दिख रहा है आपको, ये सारा इनका जो स्टोर है, जिस स्टोर का सारा प्रमोशन फ्री में बिल्कुल हो रहा है इस कॉफी एक टैसी, जो भी इस कंपनी का नाम है, जो भी इंडिविजुअल है, कोई भी है, उसका ये प्रोडक्ट बिक रहा है। अगर मैं कुछ और भी ओपन करूं, लेट्स ओपन इट, मैं इसको भी ओपन करता हूं, तो गाइस आप देखो यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ बिका हुआ नजर आ रहा है, जस्ट लुक एट इट, $69 का, $5 का, हालांकि ये दूसरा प्रोफाइल है, ये एक टैसी नहीं है, ये मॉडर्न वेस्टर्न होम आइडियाज है। अब खासकर एक बात समझने की कोशिश करो, 87 फॉलोअर्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ये ट्रेंड इतना कर रहा है कि हर एक अच्छा इमेज जो है बहुत ताबड़तोड़ आपके लिए ट्रैफिक जनरेट कर रहा है पिंटरेस्ट से। तो ये थी कहानी पूरे ट्रेंड को पकड़ने की, इवेंट को पकड़ने की, और खासकर पिंटरेस्ट में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा ट्रैफिक सोर्स है। अगर आपको सच में यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक लाना है ना, तो पिंटरेस्ट, रेडिट, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है गाइस जहां से आप ताबड़तोड़ ट्रैफिक ला सकते हो। खासकर पिंटरेस्ट तो बना ही यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, इसके अलावा पूरी दुनिया में हार्डली लोग इसको यूज करते हैं। अगर मैं इसका प्रूफ देना चाहूं तो आप देख लो इसका प्रूफ, लेट्स सपोज, देखो 1 बिलियन का ट्रैफिक है, 1.1 बिलियन, मतलब ये एक बहुत बड़ी साइट हो गई। और अगर मैं इसका मैक्सिमम ट्रैफिक दिखाऊं तो 37% का ट्रैफिक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से, मतलब ऑलमोस्ट 400 मिलियन का ट्रैफिक जो है वो सिर्फ आपका पिंटरेस्ट में आ रहा है। बस आपको इसके इवेंट्स को पकड़ के काम करना है। नाउ दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपको क्या करना है गाइस, अब यहां से मैं थोड़ी थ्योरी समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, क्योंकि लॉजिक जब तक नहीं समझोगे ना और ये भेड़ चाल चलोगे, बस मैंने बता दिया यहां क्लिक करो, ये क्लिक करो, वो क्लिक करो, इस पेज पे जाओ और आपने करना शुरू कर दिया, तो आप जहां अटकोगे वहां से कोई रास्ता नहीं मिलेगा। थ्योरी को समझो सही से। देखो मैंने क्या कहा कि इवेंट है क्रिसमस, क्रिसमस का सबसे बड़ा ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने दिखा दिया आपको, वो आ रहा है आपका खास से पिंटरेस्ट से। और पिंटरेस्ट में क्या चलता है, इमेजेस, और इमेजेस बनाने के लिए आज आपको आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, आप एआई इमेजेस का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जो कि लोग कर रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया। अब बारी आती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, आपको पिंटरेस्ट पे एक अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट का एक निच पकड़ना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेस्टिवल्स या वेकेशन, या फिर आप इस तरीके कोई भी बना सकते हो, लाइक यू नो, क्योंकि आपको हर फेस्टिवल के इवेंट्स पकड़ने हैं, तो आप एक निच बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टैसी कॉफी को ही था, ये कोई क्रिसमस से रिलेटेड तो कोई एक चीज नहीं थी ना, मतलब कोई एक प्रोफाइल नहीं था, इसका मतलब ये भी नहीं कि नाम आपको वैसा रखना है। एक टैसी कॉफी ने क्रिसमस के इमेजेस बना के अपने प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिए, तो आप ये ध्यान रखो कि आपका नाम क्या होना चाहिए। अब अगर वो फेस्टिवल से रिलेटेड होगा तो ज्यादा कनेक्ट करेगा, वरना इवेंट में तो इतना ट्रैफिक होता है कि आप कोई भी नाम रख दो आपका हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आइडिया पिंस बनाने हैं, और आइडिया पिंस के अंदर इमेजेस आप या तो चैट जीपीटी के डाली से बनवा लो, या फिर आप लियोनार्डो या मिड जर्नी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वहां से बना सकते हो। नाउ अब यहाँ पर जब आप अपलोड करोगे तो आपको चाहिए होगा एक एफिलिएट प्रोग्राम। गाइस एफिलिएट प्रोग्राम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एक ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बिज ऑफर्स। बिज ऑफर्स एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म इस टाइम पे नया उभरा है मार्केट में, जहां पर जैसे कि आप क्लिक बैंक या सीजे वगैरह देते हो ना, ये पुराने प्लेटफॉर्म्स होंगे, ये नया प्लेटफॉर्म है, तो जल्दी से जल्दी आपके जो अकाउंट्स हैं वो अप्रूव हो जाते हैं विद इन 40 मिनट्स 30 मिनट्स के अंदर, ये आपका अप्रूवल दे देते हैं। भले वहां पर जब आप अकाउंट बनाते हो दिखाता है कि आपको 48 आवर्स लगेंगे, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इन्होंने 40 मिनट्स के अंदर ही, 40-50 मिनट के अंदर ही मुझे अप्रूवल दे दिया। इनका बेस्ट पार्ट पता क्या लगा मुझे, मैं आपको समझा देता हूं गाइस, वीकली पेमेंट्स है इनके पास, मतलब हर 7 डेज भी आपके पास पैसा आता रहेगा। वरना अभी तक मैंने सीजे और क्लिक बैंक में क्या देखा पता है, या फिर जितने भी और इंपैक्ट वगैरह पे काम करता हूं, गाइस 30 डेज का उनका वेटिंग पीरियड है और प्लस 15 डेज का उनका पे आउट पीरियड है, टोटल 45 डेज बाद मुझे कोई पेमेंट मिलती है। तो दैट इज द, अगेन, एक एफिलिएट मार्केटर के लिए कोई एक यू नो सबसे बड़ा हर्डल जो होता है ना, वो ये पेमेंट होता है। तो 45 डेज बाद मुझे पेमेंट मिलता है, यहां पर वीकली पेमेंट है, ये मुझे एक नया कॉन्सेप्ट मिला बिज ऑफर्स के साथ, इसलिए मैं बताना चाहूंगा इस पे अकाउंट बनाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपका आराम से अकाउंट जो है अप्रूव हो रहा है। इसमें भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज है जो आके अपना एफिलिएट मार्केटिंग कराती है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। 120 डेज का कुकी ड्यूरेशन है, मतलब 4 महीने तक अगर किसी ने आपके लिंक को आज क्लिक किया लेकिन आज बाय नहीं किया, या फिर आज वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आप 4 महीने तक अगर कोई भी उस बंदे का कन्वर्जन आ रहा है जिसने आपके लिंक पे क्लिक किया था गाइस, वो आपका कन्वर्जन माना जाएगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यू प्लेटफॉर्म बिज ऑफर्स। तो बिज ऑफर का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके इसको एक बार अकाउंट बनाओ, इसको देखो इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट भी बढ़िया बढ़िया मैंने देखा है, भी बहुत कम है, लेकिन जहां की नई कंपनी है तो आपको बहुत ज्यादा ये सहूलियत देगी, तो यहां से भी आप अपना प्रोडक्ट जो है वो उठा सकते हो। अब आप सिंपल मेरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, मैंने लॉजिक आपको समझा दिया, अब आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला पॉपुलर पेज चल रहा है इस टाइम पे, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी इमेज पे क्लिक करूंगा, मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा फॉर एग्जांपल, और यहां पर कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, जल्दी से मैं दिखा देता हूं, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सिमिलर इमेज फॉर क्रिसमस बट इन पोर्ट्रेट फॉर्मेट, क्योंकि ना जो पिंटरेस्ट है वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट के लिए ज्यादा फेमस है, उस पर आप लैंडस्केप करोगे तो ना नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सिमिलर इमेज फॉर क्रिसमस बट इन पोर्ट्रेट फॉर्मेट, मेक श्योर इट सूट फॉर द वॉलपेपर। तो मुझे वॉलपेपर टाइप का कुछ बना के दो, मैंने यहां पर चैट जीपीटी को बोल दिया और मैंने यहां पर एंटर कर दिया, द मोमेंट आई एंटर तो ये मेरे लिए इमेज बनाना स्टार्ट कर देगा लाइक दिस। सो देख लो गाइस, इसने क्रिएटिंग इमेज शुरू कर दिया है, इसने इस इमेज को भी रीड कर लिया है और प्लस मेरे इसने कमांड को भी देख लिया, तो ये सिमिलर इमेज
इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है फॉर द वॉलपेपर। अब देखते हैं कि ये किस टाइप का इमेज देता है और उस इमेज को जाके मुझे एज एन आइडिया पिन में जनरेट करना है बस पिंटरेस्ट पे, और ऐसे बैक टू बैक बनाते जाने हैं। लेकिन मेक श्योर इसमें आपको कुछ चीजें बता दूंगा, वो आप जरूर कर लेना। तो गाइस जस्ट लुक एट इट, ये एक इमेज है और ये बिल्कुल अलग इमेज है। कैन यू जस्ट लुक एट इट, बिल्कुल सिमिलर बनाया क्रिसमस के लिए। जस्ट सी दिस इज माई इमेज गाइस, ये मेरा इमेज है और जो यहाँ पर चल रहा है वो ये इमेज है। अब इन दोनों में डिफरेंस बता दो, इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। लेट्स डू वन थिंग, सो गाइस नाउ मैच दिस, दोनों को मैच करो, बिल्कुल सिमिलर इमेज है और मुझे चैट जीपीटी ने कितना आसान तरीके से बिल्कुल ऐसा ही बना के दे दिया। लेकिन कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ये दोनों इमेज सेम है। क्रिसमस के लिए वॉलपेपर के लिए मुझे एक इमेज मेरे चैट जीपीटी ने बना के दिया है जो कि मैं जाकर पिंटरेस्ट में यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। देख रहे हो गाइस, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अब आपको इस इमेज को डाउनलोड करना है, यहाँ पर जाओ, इसको डाउनलोड पे क्लिक करो एंड नाउ जैसे ये डाउनलोड पे क्लिक हो जाता है, डाउनलोड हो गया, पिंटरेस्ट पे जाओ, नाउ लेट्स कम हियर और यहाँ पर अपना खुद का बनाओ लाइक पिंटरेस्ट, क्रिएट ऑर्गेनिक पिन, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंटर, एड अ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक, जो भी आपको एफिलिएट लिंक देना है। लेकिन ये चीज का मैं आपको बता दूं, एफिलिएट लिंक को डेस्परेट तरीके से फर्स्ट अगर आपने अकाउंट नया बनाया है तो देना मत शुरू कर देना, या इनफैक्ट अकाउंट अगर आपका बना हुआ भी है, ध्यान से सुनो, अगर अकाउंट बना हुआ है तो भी बहुत टाइम से आप पिन नहीं बना रहे थे और अचानक से पिन बनाया और आपने एफिलिएट लिंक देना शुरू कर दिया, ऐसा मत करना। पहले वार्म अप करो अपने अकाउंट को, कम से कम 20-30 पिन्स बना के उसके बाद अपना एफिलिएट लिंक देना, और खासकर एफिलिएट लिंक भी डायरेक्ट अपने यू नो बिज ऑफर पे गए और वहां से ऑफर निकाला और डायरेक्ट दे दिया, नहीं ऐसा भी मत करना। आप कोशिश करना कि आप सबसे पहले एक उस लिंक को एक लैंडिंग पेज पे, अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे एक कंटेंट के साथ डालो तो ज्यादा बेटर है। पहले कंटेंट मार्केटिंग भी तो होनी चाहिए ना, तो इस तरीके से आप इसको एफिलिएट कर सकते हो। तो गाइस अब यहां पर एफिलिएट लिंक डालोगे, अगर कोई बोर्ड बनाए तो ठीक है, वरना आप क्या करोगे, एक बोर्ड को यहां पर बना लोगे और उस बोर्ड पे एंटर कर दोगे और यहां पर 5 कोई भी टॉपिक्स डाल दो, दैट्स इट, ज्यादा ऑप्शन मत छेड़ना। इसके बाद आप यहां से सीधा पब्लिश करते रहना। इस तरीके से अपने पिंटरेस्ट अकाउंट को जिंदा रखो अगर सच में आपको यूनाइटेड स्टेट्स से पैसा अर्न करना है, ट्रैफिक जनरेट करना है, आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो यूनाइटेड स्टेट्स ना, तो गाइस पिंटरेस्ट अकाउंट को जिंदा रखो। ये मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। कमेंट में आप मुझसे इससे रिलेटेड और भी डीप में कुछ पूछना है जो कि बहुत लोगों के लिए जरूरत नहीं है तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया, लेकिन अगर आप करते करते कहीं जाके फंस जाते हो या आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वरना उस डीप नॉलेज पे अगर मैं वीडियो को ले जाऊं ना तो हो सकता है वीडियो इतनी बोरिंग हो जाए कि आप लोग देखना पसंद ना करो, सिर्फ उन लोगों को अच्छा लगेगा जो कि डेडिकेटेडली इसको करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने कमेंट ओपन रखा है, मोस्ट वेलकम, जितना मर्जी कमेंट करना करो, मैं रिप्लाई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कंसर्न्स को वहां पर सॉल्व कर पाऊं। और गाइस आप लोगों ने देख लिया ना कि वीडियो कितना वैल्यूएबल बनाता हूं और इसको कहीं से भी मिस करना आप अफोर्ड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इसलिए सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, सब्सक्राइब करने का मेरा भी तो फायदा कराओ ना, 1 मिलियन तक पहुंचाओ, इतने कंटेंट के साथ मैं बढ़िया सा वीडियो बना रहा हूं, तो आप मेरी फैमिली हो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो मोटिवेट भी रखो, लाइक करो, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो गाइस, अगर शेयर ज्यादा करोगे तो लोगों को अगर कंटेंट मेरा पसंद आएगा तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं किससे करूंगा। चलो ये करना स्टार्ट करो और अगर इसमें मुझे और भी कोई डेप्थ रिसर्च और मिलता है, ऐसा कुछ लगता है कि मुझे आप लोगों को शेयर करना चाहिए, तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूं, मैं शेयर कर दूंगा इमीडिएट बेसिस पे, बस आपको इसको 2 का 4 बनाना है। मैंने 2 बता दिया, आपको 2 का 4 बनाना है, क्या पता बहुत लोग हैं जो 2 का 8 भी बना के अपना जो करियर है वो सेट कर रहे हैं। सिर्फ मेरे बताए जितने चीज है उस पर ही डिपेंड मत रहना, खुद का भी आइडिया लगाना, लॉजिक लगाना, स्ट्रेटेजी लगाना, दिमाग खोलना, दिमाग ठनकाना, जो मर्जी करना करो, बस आगे बढ़ो। इस चैनल का मेरा मेन मोटिव आप लोगों के लिए ये रहता है। चलो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आएगा लेकिन बहुत अमेजिंग आएगा और खतरनाक आएगा, और बस मैं चाहूंगा कि आप लोग ग्रो करते रहो। चलो फाइनली लेट्स गो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।